धम्म पद गाथा क्रमांक 328, 329 और 330, ये तीन गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने पारिलेयक वन के संदर्भ में कही है। आज दिनांक 16 दिसंबर 2020 ये तीन गाथाएं पारिलेयक वन में पारिलेयक हाथी के संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। सचे लभे थ निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं अभिभुयं सब्बानी परिसयानी चरेयते नत मनोसतीमा। दूसरी गाथा, नोचे लभेय निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारी धीरं राजावरठं विजितं पहाय एको चरो मातंग रज्जेय नागो एको चरो मातंग रंयेव नागो। और तीसरी, एक सचरितं सेयो नथी बाले सहायता एको चरे नच पापानी कैरा अपो सुको मातंग रये बनागोती। ये तीन गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने पारिलेयक हाथी को उद्देश्य करके उनके सेवा के बारे में 500 भिक्षुओं को ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी, सुनाई थी। पारिलेयक हाथी के बारे में गाथा क्रमांक 6 में विस्तार से उसकी कहानी आई हुई है। पारिलेयक नाम का हाथी जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की 3 माह तक सेवा की थी, ये बात सारे जम्बूद्वीप में फैल गई थी कि जब तथागत बुद्ध पारिलेयक वन में अकेले एकांत विहार करने के लिए चले गए थे और वहां जब वो अकेले रह रहे थे तो वहां पर उनकी सेवा एक पारिलेयक हाथी ने उनकी 3 महीने तक उनकी सेवा की और पूरे जम्बूद्वीप में ये वार्ता फैल गई। श्रावस्ती में जो महाउपासक अनाथ पिंडक महाउपासिका विशाखा ऐसे जो बड़े महाउपासक उपासिकाएं थे तो वो आनंद के पास आए, आनंद को कहने लगे कि हमें बुद्ध से सुनना है, बुद्ध को हमें मिलना है, बुद्ध इतने लंबे समय तक हमसे दूर है, हमें अच्छा नहीं लगता, आनंद किसी तरह
आप विनंती करके बुद्ध को विहार में बुलाइए। तो ऐसी विनंती बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने की और बुद्ध भिक्षु संघ के थोड़े से कुछ अनबन के कारण 3-4 महीनों तक वो अरण्य में एकांत वास में चले गए थे और वहाँ पर पारिलेयक नाम का हाथी वो बुद्ध के लिए पानी गर्म करता था, उनके लिए फल लाता था जहाँ वहाँ से ढूंढ कर। और पानी कैसे गर्म करता वो कि कहीं पर वो अग्नि भी जलाने का एक प्रयास करता, पत्थर पर घिस कर अग्नि जलाता और अग्नि में वो एक पत्थरों को रख कर वो पत्थर यदि अच्छे गर्म हो जाते हैं तो गर्म पत्थर को वो डंडे से ढकेल ढकेल कर अपने सुन में डंडा लेकर ढकेल ढकेल कर वो पानी में डालता, उससे पानी गर्म पत्थर से वो थोड़ा गर्म हो जाता। और ऐसी सारी सेवा 3 महीने तक ये वहाँ के परिलेयक नाम के हाथी ने परिलेयक वन में तथागत बुद्ध की निरंतर सेवा की और बुद्ध वहां पर एकांत में बहुत ही आनंद पूर्वक शांत पूर्वक वो रहने लगे। लेकिन जब आनंद को विनंती की गई तो आनंद बुद्ध को विनंती करने के लिए उस वन में 500 भिक्षुओं को लेकर वो चले गए श्रावस्ती से। और जब वहां पर वो गए तो बुद्ध ने कहा कि वन में बुद्ध आनंद ने सोचा कि बुद्ध को तो मिलना है, लंबे समय के बाद हम मिल रहे, लेकिन वहां क्या परिस्थिति है कैसे है मैं नहीं जानता। तो 500 भिक्षुओं को उन्होंने वन के द्वार पर ही रख दिया, वन के बाहर ही रख दिया, उनको वन में आने नहीं दिया। आनंद ने कहा कि मैं जाता हूं, आप यही रुको। और आनंद अकेले उस पारिलेयक वन में बुद्ध से मिलने चले गए। तो जब पारिलेयक हाथी ने दूर से एक भिक्षु को आते देखा तो उसने डंडा अपनी सुंड में लिया और डंडा लेकर वो उनकी तरफ जाने लगा। तब बुद्ध ने वो देखा और देखकर बुद्ध ने आनंद को पहचान लिया और बुद्ध ने कहा, पारिलेयक रुको रुको, पीछे हटो, उसको आने दो, वो हमारे सेवक है। ऐसा जब पारिलेयक को बुद्ध ने कहा तो पारिलेयक हट गया, आनंद वहां पर आ गए। पारिलेयक शांत होकर एक जगह पर खड़ा रह गया और आनंद आकर बुद्ध से मिले। और मिलने के बाद बुद्ध ने पूछा, क्या अकेले आए हो कि और कोई साथी है? तो बुद्ध ने कहा कि 500 भिक्षु साथ में हैं, मैंने उन्हें वन के द्वार पर ही, जंगल के द्वार पर ही मैंने उनको रुकने के लिए कहा है। तो आनंद को बुद्ध कहने लगे कि उनको ले आ। तो उन्हें 500 भिक्षुओं को लाया गया और जब 500 भिक्षु आ गए तो सारे 500 भिक्षु की भी व्यवस्था वहां खान पान की ये पारिलेयक हाथी ने की। और उनके साथ एक वानर भी था, एक मरकट भी था। तो उस वानर ने भी हाथी के साथ बुद्ध की सेवा की और 500 भिक्षुओं के लिए फल आदि जो खान पान की चीजें है वो सारी जंगल से उन्होंने लाकर 500 भिक्षुओं को खाना वहां पर खाने की व्यवस्था हुई। तो उस समय पूछने लगे बुद्ध को आनंद कि आप तो सुकुमार है, आप तो बुद्ध है,
इतने लंबे समय तक कैसा आपका समय बीता है, कैसे आप रहे हो यहां पर अकेले। तो बुद्ध कहने लगे, आनंद मैं यहां अकेला रहा हूं, लेकिन मेरे साथ यह पारिलेयक हाथी, इन्होंने बड़ी मेरी सेवा की। मैं तो अकेला था और पारिलेयक हाथी, इन्होंने इस प्रकार की मेरी सेवा की, ऐसा वो बताने लगे। भगवान बुद्ध आनंद को बताने लगे। और उस समय बुद्ध ने ये गाथाएं कही कि यदि कोई अच्छा साथी आपको ना मिले, अच्छा मित्र ना मिले, तो अकेले रहना श्रेयस्कर है। अकेले एकांत में रहो, अकेले रहो। अकेले रहने की बहुत प्रशंसा की है तथागत बुद्ध ने। अच्छा सेवक मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा साथी मिल जाए, तो साथी के साथ रहना चाहिए। लेकिन ना मिले तो अकेले रहकर अपना अभ्यास करो। जिस प्रकार राजा कभी कभी अपना हार, अपने राज्य को हार जाने के बाद वो अकेला जाता है और अकेला एकांत में रहता है, उसी प्रकार बुद्ध ने और भी एक उदाहरण दिया कि ये मातंग नाम का हाथी वो वन में बहुत बड़े समूहों के साथ रहता था। लेकिन वहां रहते समय इतनी उनको दिक्कत आती थी कि समूह में रहने वाले अन्य हाथी और हाथीनिया और उनके सब जो समूह में रहने वाले और भी उनके लड़के बच्चे सभी, तो ये बहुत कभी कभी परेशान करते थे। इसलिए मातंग नाम का हाथी वो सभी को छोड़कर वो अकेला एक समय वो रहने लगा। तो अकेला रहना भी ये बहुत कल्याणकारक होता है ध्यान साधना के लिए, अपने विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों को और अनंत उस सुख को हासिल करने के लिए अकेले रहना भी कभी बड़ा श्रेयस्कर है, बड़ा अच्छा है। ये बात तथागत बुद्ध ने कही कि मैं यहाँ पर अकेला रहा हूँ, तो अकेला रहने भी जो मुक्त पुरुष होते हैं उन्हें तो बड़ा आनंद का ही अनुभव कभी होता ही है। तो इस समय तथागत बुद्ध ने ये तीन गाथाएं कही कि विशेष रूप से ये तीन गाथाओं का जो मतलब है कि यदि अच्छा साथी आपको नहीं मिलता है, अच्छा सहायक आपको नहीं मिलता है, तो अकेले रहकर अपने ध्येय को पूरा करना चाहिए, अपने कामों को पूरा करना चाहिए। और अकेले रहना ही बहुत श्रेयस्कर है। लेकिन कभी कभी एकस चरितं सेयो नथी बाले सहायता, एको चरे नच पापा निकैरा, अपो सुको मातंग रंयो न नागोती। यानि यदि अच्छा साथी नहीं मिला तो अकेला रहना अच्छा है, लेकिन मूर्खों के साथ जो परेशान करने वाले हो, जो दिक्कत निर्माण करने वाले हो, ऐसे लोगों के साथ रहने से यह अच्छा है कि अकेला रहकर अपने एकांतवास में रहकर शांति से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चले चलते चले। इसी की प्रशंसा बहुत विद्वानों ने की है और यही अच्छा है। ये बातें तथागत बुद्ध ने इन तीन गाथाओं में 500 भिक्षुओं को बताई, क्योंकि जो मार्ग है, जो फल है, यह फल पाने के लिए अकेले को ही स्वयं अपने अंतर में जाकर, अपने भीतर जाकर,
अकेले ही को आप वो प्रयास करना पड़ता है। तो इसीलिए अकेला रहने का यदि वातावरण मिल जाए और अच्छे सहायक मिल जाए तो बड़ा कल्याणकारी होता है। और सहायक ना भी मिले फिर भी अकेले रहने का जो एकांत बहुत लाभदायक होता है, कल्याणकारी होता है, इसकी तथागत भगवान बुद्ध ने बड़ी प्रशंसा की। और जब ये एकांतवास की बात तथागत बुद्ध ने इन 500 भिक्षुओं को बताई जो वहां उस वन प्रदेश में उन्हें मिलने के लिए आए थे, तब ये 500 भिक्षु में बहुत सारे भिक्षु अरहत बन गए, फल को पा लिया उन्होंने, क्योंकि बुद्ध वाणी और बुद्ध का दर्शन बहुत लंबे समय के बाद जो उन्हें हुआ तो वो बहुत ही भावावेश अवस्था में और बहुत आतुर थे बुद्ध को सुनने के लिए। और जब बुद्ध को सुनकर उन्होंने गाथाएं सुनी तो अरहत बन गए। और सब लोग बाद में बुद्ध को लेकर वो चले गए। इस प्रकार के घटना के साथ ये 3 गाथाएं जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, मंगलमय जीवन यात्रा आप सबकी बीतती रहे, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।